लगातारी 10 दिन बीत चुके हैं, आप भी यहाँ पहुँचे, किचन बना हुआ है जिस रूम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में और संस्था के बारे में? पहली बात तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हनुमान भक्त सेवा समिति को, और इन्होंने एक संकल्प लिया है जब से कोरोना चला है या लॉकडाउन हुआ है, हम गरीबों में भोजन, ये भोजन नहीं बांट रहे हैं, ये भगवान का प्रसाद बांट रहे हैं, और इस प्रसाद को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम पहुंचा पाएँ, ये संकल्प है श्री हनुमान भक्त सेवा समिति का। और इस प्रकार से जो अवस्था पर अवस्था है, यहाँ पर जो अध्यक्ष जी हैं संजय जी, प्रधान जी श्री गोवर्धन माहेश्वरी जी, श्री विपिन माहेश्वरी जी एवं समस्त समाज, सभी लोगों ने संकल्प का बीड़ा उठाया, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, हनुमान जी ने संसार में बताया कि सेवा करने का जो महत्व है वो कितना बड़ा है, इस सेवा से हमें जो लाभ होता है उस फल का हम वर्णन नहीं कर सकते, जैसे रसगुल्ला खाने के बाद हमें उस रस का वर्णन नहीं कर सकते, उसी प्रकार से इस भाव, इस सेवा को जब हम करते हैं, जब किसी को हम भोजन देते हैं या प्रसाद देते हैं, जब वो प्रसाद को ग्रहण करता है उसकी जो तृप्ति होती है, उससे जो उसका प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता का वर्णन हम कर नहीं पाते हैं। ऐसे ही हमारे समस्त परिवार ने, हनुमान भक्त सेवा समिति परिवार ने यह संकल्प लिया है, दिल्ली पुलिस की सहायता हमारे साथ, जहाँ पर हमारे यहाँ 3-4 हज़ार पैकेट्स बनते हैं, दिल्ली पुलिस के पास फ़ोन आता है और इस फ़ोन आने के बाद हमें अवगत कराया जाता है, और हमारे साथ दिल्ली पुलिस की गाड़ी होती है, वो जहाँ जा कहते हैं डिस्टेंस के साथ ये पैकेट को वितरण किया जाता है। हमारे क्षेत्र में जैसे यहाँ कबीर नगर है या कर्दमपुरी है, सीमापुरी है, गोविंदपुरी है, मतलब दिल्ली में चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ से हमें अवगत होता है, और ये हमारा जो परिवार है ये प्रसाद को वितरण करने में बड़ी प्रसन्नता अपने को महसूस करता है। भगवान की जब कृपा होती है तभी आप प्रसाद बना पाते हैं, भगवान की जब कृपा होती है तभी आप प्रसाद किसी को दे सकते हैं, देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। ऐसे हनुमंत लाल की कृपा इस समस्त समिति पर सदैव बनी रहे, ये हनुमंत लाल जी से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब देश में महामारी आई है, इस महामारी से अगर बचाव भी करेंगे तो हनुमंत लाल ही करेंगे, माँ भगवती ही करेंगी। और सैनिटाइज, जैसे कि जो हमारे यहाँ हलवाई हैं, इन लोगों ने भी बहुत अच्छी अपनी सफाई रखा है, जो यहाँ आप देखेंगे कुर्सी पे जो बैठे हैं, जो हमारे हलवाई ये भी डिस्टेंस में बैठे हैं, जो हमारे यहाँ कर्मचारी वो भी डिस्टेंस में, जो हमारे यहाँ भाई लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, और इस हनुमान सेवा समिति में सभी तन्मयता से हैं, कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से है। आपको पता है कि इस समय कोरोना वायरस चक्र में हमारा देश लॉकडाउन है, अनेकों प्रकार की परेशानियों के मध्य में रहते हुए भी एक एक तिनके को जोड़ना, फिर उसको प्रसाद बनाना, प्रसाद बना करके लोगों तक पहुंचाना, ये अपने में बहुत बड़ी प्रकाष्ठा है, बहुत बड़ा संकल्प है। आचार्य जी क्या कहेंगे दिल्ली विकास समिति, तीर्थ विकास समिति के बारे में, उन्होंने क्या छोटे मझोले मंदिरों के पुजारियों के लिए कोई राहत पैकेज दिया या नहीं? देखिए, जो हमारे तीर्थ विकास सेवा समिति के अध्यक्ष हैं चेयरमैन जी कमल बंसल, अभी तक उनका किसी भी प्रकार से जिस प्रकार से एक राजा का सेवा भाव का एक समर्पण भाव होता है, उनका कहीं भी कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा है। और कहते हैं कि जब राज सत्ता मिलता है तो व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, हनुमान जी ने कहा कि मदमस्त मत हो, क्योंकि ये जो धरा है ये वीरों से भी खाली नहीं तो है। तो वो राहत पैकेज किसके जेब में जा रहा है? वो राहत अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो राहत गया कहाँ, संसार में दिखाई नहीं दे रहा कि इतना भोजन तो वितरण हो रहा है, इतना प्रसाद वितरण हो रहा है, परंतु राष्ट्र में कितने सारे लोग भूखे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। क्या आप कमल बंसल को हटाने की मांग करते हैं? मेरा एक कर्तव्य है जी, सनातन धर्म होने के नाते सेवा भाव, चाहे वो कमल बंसल हो या उस सीट पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उसका परम कर्तव्य बनता है कि गरीब वर्ग के बीच में जाए, इससे समाज के बीच में जाए और सबकी सेवा करने का संकल्प ले, जो संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता उसको उस सीट पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। गोवर्धन जी क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? सर, जिस समय देश में लॉकडाउन हुआ तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पर गरीब लोगों को खाना मिलने की बहुत समस्या आ जाएगी, तो हमारी समिति ने फैसला किया
कि हम लोग इस क्षेत्र के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट डीसी भी वेद प्रकाश सूर्य जी के सहयोग लिया और उनसे बातचीत की गई यहाँ पर प्रसाद बनाया जाए और वो बांटा जाए। हमने इसको भोजन के रूप में नहीं बांट रहे, भोजन बांटने से व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं किसी को खाना दे रहा हूँ, इसलिए हमने इसको प्रसाद रूप रखा है कि भगवान हनुमान जी का प्रसाद है और उस प्रसाद रूप को पूरे क्षेत्र में बांटा जाए। क्योंकि कब से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम के लोग एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते से प्रतिदिन 1500 से 1800 लोगों को खाना दे रहे हैं, प्रसाद के पैकेट बना के भेजते हैं और बांटा जाता है। जो एरिया नॉर्थ ईस्ट डीसीपी साहब के एरिया में मंडोली जो ईस्ट ज्योति नगर मानसोपार के एरिया के अंदर हम प्रसाद बांट रहे हैं और हमारे हनुमान मंदिर समिति के जो सदस्य हैं, जो सेवादार हैं या जो गली मोहल्ले जो सेवा कर रहे हैं, वो लोग बहुत ध्यान से रखते हुए कि सोशल डिस्टेंस बना रहे उसका ध्यान रखते हुए इस प्रसाद को बांटा जा रहा है। हमारी तरफ मत देखना बिल्कुल भी।